Yes, we are live now. Hello friends, this is Himanshi and welcome to Let's Learn. Discuss करेंगे EVS वी एस क्लास नाइन सेशन नाइन्थ कह सकते हैं आप इसको जिसमें ई वी एस एन सी आर टी का जो एक डिस्कशन है क्लास थर्ड फोर्थ और फिफ्थ का जो आपके पेपर वन में आता है जनरली नाइनटी परसेंट क्वेश्चन तो एटलीस्ट आ ही जाते हैं मतलब अगर हम बात करें बीस नंबर तक तो ये पूछ लेता है आपसे आउट ऑफ थर्टी और इसके अलावा फिर पैडागॉजी को भी डील करेंगे ही स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और देखेंगे आज क्या हम काम करने वाले हैं और सभी को गुड इवनिंग नमस्कार राम राम सत सतश्रियाल यू फील कनेक्टेड विद स्टार्ट करेंगे सेशन को बिल्कुल बिल्कुल बहुत बढ़िया हाँ नोटिफिकेशन तो होना चाहिए ऐसा तो नहीं है अब तो इवेंट मैंने पहले से क्रिएट कर, कर, करना शुरू कर दिया है हाँ बिल्कुल बिल्कुल बहुत बढ़िया चलिए वो सात आठ मिनट का रहता है डिले उतना तो मैनेज करना ही पड़ेगा लाइक शेयर सब्सक्राइब अगर आपने ना किया हो और करने की इच्छाएं हों तो ऐसे उनको पूरा कर सकते हैं आप लोग आदर्श बहुत बढ़िया स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और आज की कहानी शुरू करेंगे देखेंगे कुछ बेसिकली ट्रैवल के बारे में कुछ कुछ चीज़ें हैं कैसे लद्दाख से कई बार क्वेश्चन आया हुआ है और पर्टिकुलरली आज लद्दाख के बारे में बात करेंगे कैसे घर होते हैं वहाँ क्या किस तरीके की चीज़ें होती हैं मुंबई के बारे में बात करने वाले हैं और थोड़ा घूमेंगे ऐसे मैप वैप के थ्रू है ना पिक्चर्स का पूरा यूज़ है ऐसे ड्रीम बिल्कुल जो लोग ड्रीम डेस्टिनेशन कह सकते हैं ऐसे सारी बातें करेंगे और बातों में सीख भी जाएंगे तो ये कुछ कुछ चीज़ें हैं जो आपसे पूछी जाती बीच बीच में क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे आ, ये कुछ कहानी रहेगी स्टार्ट करते हैं बहुत बढ़िया तो होपफुली आप लोग रेडी हैं और पूरी एनर्जी के साथ आप लोग तैयार हैं चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। बहुत बढ़िया। सही है। आ, अभी कोई दिक्कत नहीं है ध्यान रखिए अपना आप सभी सेफ रहिए स्टार्ट करते हैं बहुत बढ़िया एक मिनट रुको एक कमेंट पढ़ने दो मैं कॉलीग्स लॉकडाउन में लेट्स लर्न के सारे लेक्चर सुनो अच्छा बहुत बड़े देश आज जी चलिए स्टार्ट करते हैं मुंबई इज द मोस्ट क्राउडेड सिटी ऑफ इंडिया अब इसको किसी भी तरीके से ये नहीं मानना है कि भैया ये एरिया में ज्यादा है इसमें ज्यादा है उसमें ज्यादा है एरिया में आप जानते हैं राजस्थान है और फिर उसके बाद आप बाकी स्टेट्स हैं एम है ठीक और अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर तो हम बात कर क्राउडेड सिटी की और ये दो हजार ग्यारह की सेंसस के अकॉर्डिंग है और एनसीई के अकॉर्डिंग है सबसे पहले ठीक तो मुंबई की बात करेंगे यहाँ पर इसके अलावा एक और छोटा सा डिस्कशन है एनसीई आर में कि अगर आप दिल्ली से टू रीच दिल्ली फ्रॉम मुंबई अगर आप मुंबई से दिल्ली जा रहे हैं तो आपको कुछ स्टेट्स को क्रॉस करना पड़ता है जैसे कि महाराष्ट्र अपने आप में गुजरात और राजस्थान तो अब इन तीनों को देखेंगे अगर हम मैप पर बात करें इसकी तो हम समझते हैं भाई यहां है मुंबई ये आपका कुछ चौदह किलोमीटर के आसपास दोनों में डिस्टेंस है ये मुंबई हो गया और ये है डेली ठीक तो अगर आप मुंबई से दिल्ली आ रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको कुछ स्टेट्स को क्रॉस करना पड़ेगा जैसे महाराष्ट्र अपने आप में स्वयं जहां पर है ही मुंबई इसके अलावा अगर हम बात करें ये गुजरात हो गया ये दिख रहा होगा मैप में आपको ठीक गुजरात है और फिर राजस्थान आपका तो तब जाकर के आप डेली पहुंचेंगे तो ये बेसिकली आपके दिमाग में होना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन में जब पूछता है कि इसके ऊपर कौन सा स्टेट है इसके नीचे कौन सा है पंजाब से नीचे आओगे तो क्या है तो इस तरीके से मैप पे एक आध क्वेश्चन आता है तो ये बेसिकली आप लोग ध्यान रखेंगे ये छोटी छोटी सी चीजें हैं जिनको हम अगर ध्यान में रखते हैं तो बहुत अच्छा रहता है और चौदह किलोमीटर का डिस्टेंस है और बेसिकली पहुंच जाएंगे आप ड्राइव करते हुए अभी तो कहीं ना निकले नहीं तो पता है कि आप बाहर क्या चल रहा है ठीक तो अप्रॉक्स 1400 किलोमीटर का डिस्टेंस है मुंबई और दिल्ली के बीच में है ना डेढ़ हजार किलोमीटर कह सकते हैं हम अगर बात करें राउंड फिगर में तो ठीक है बात आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट को समझेंगे बिल्कुल तो मैप पे बेसिकली आपको नजर डाल करके जानी है हालांकि मैं भी एक सेशन में या बीच बीच में जहां भी जरूरत पड़ेगी डिस्कस करती रहूंगी दो तीन चार क्वेश्चन तक आ जाते हैं मैप से और वन तो मिनिमम है तो ये तो बिल्कुल फिक्स क्वेश्चन है जैसे मैप का जो क्वेश्चन है वो फिक्स ही मान लो उसको अभी हमने क्या सीखा मुंबई मोस्ट क्राउडेड सिटी है ऐसे कई लोग जाते हैं ऐसे पूरी मुंबई जाते पहले उनका पहला जो एक ऐसे, क्या कहेंगे सपना है वो एक फोटो खींचना है चाहे समुद्र देखें ना देखें ठीक तो ये आप ध्यान में रखेंगे मोस्ट क्राउडेड है और अगर दो हजार सेंसस की बात करें तो डेली फिर उसके बाद इस तरीके से चलेगी कहानी जाम रहता है बहुत ही ज्यादा ट्रैफिक हाँ आगे बढ़ते हैं रोड्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर आर डिफिकल्ट ड्यू टू माउंटेन्स अब आज की कहानी शुरू होती है बिल्कुल रियालिटी में ठीक जे एंड के यानी जम्मू एंड कश्मीर की जो रोड्स हैं वो क्या है डिफिकल्ट है मुश्किल रास्ते हैं और किस वजह से माउंटेन्स की वजह से जो वहां पर पर्वत है उसकी वजह से आप लोग ऐसे वैष्णो देवी गए होंगे कभी ऐसे बहुत मजा आया होगा आपको बस में और जिन लोगों को ऐसे प्रॉब्लम होती है नॉसीटेड फील होता है उनकी तो हालत खराब हो जाती है वो ऐसे ऐसे करके लेकर के जाएगा ऊपर है तो माउंटेन्स जा होंगे ऑब्वियसली जो रास्ते हैं वो डिफिकल्ट ही होंगे क्योंकि उनमें से रास्ते बनाने पड़ेंगे ना और माझी याद आ गए होंगे आपको वन हैज टू क्रॉस जे एंड के यानी जम्मू एंड कश्मीर इन ऑर्डर टू रीच लेह लद्दाख अब ये बात काम की है यहां ऐसे भी पूछता है जैसे मैंने अभी बात की थी मुंबई से अगर आप डेली

पीपल यूज नायलॉन टेंट्स ऑन हिल एरिया अब भाई जम्मू और कश्मीर तो हम जा ही रहे हैं लेह लद्दाख भी पहुंच गए थोड़ी देर पहले तो ऐसे टेंट वेंट का जुगाड़ करके जाओगे ऐसे अमेजोन पे मिलते हैं बहुत सारे टेंट वगैरह तो लोग ले करके जाते हैं ऐसे आपने कभी ही हो रात या फिर ऐसे आ, क्या कहें उसको तो ऐसे इक्शा हो अगर कोरोना के बाद सब कुछ सलामत रहा तो ये अपने आप में ये मजेदार चीज है और ये जो टेंट है

चलिए आगे बढ़ते हैं लद्दाख की बात करते हैं जो क्वेश्चन आया हुआ है लद्दाख पर एक क्वेश्चन ऐसा हो गया है जैसे फेवरेट हो गया हो सीटेड का लद्दाख इज ऑल्सो कॉल्ड या लद्दाख इज कॉल्ड कोल्ड डेजर्ट ठंडा रेगिस्तान कह सकते हैं हम इसको बिल्कुल आप देख रहे हैं पिक्चर में क्यों क्योंकि जो पहाड़ियां हैं वो पूरी बर्फ से ढकी हुई हैं ड्राई प्लेस है कोल्ड प्लेस है इसलिए हम इसको कोल्ड डेजर्ट कहते हैं बिल्कुल ठंडा और सूखा रेगिस्तान कह सकते हैं और बारिश बहुत कम होती है ये कह सकते हैं ठीक है आगे बढ़ेंगे देखेंगे कुछ चीजों को लद्दाख इज हाई ड्राई एंड फ्लैट भाई फ्लैट है क्या कहेंगे सपाट कहेंगे क्या कहेंगे हिंदी में जो भी कहेंगे बट फ्लैट है यानी कि ऐसे ड्राई है सूखा हुआ है और हाई ऑल्टीट्यूड पे तो है ही ऊंचाई पर तो है ही इसलिए इसको कोल्ड डेजर्ट कहते हैं ये तीनों चीजें आप याद रखेंगे लद्दाख गेट्स वेरी लिटिल रेनफॉल बारिश कम है इसके अलावा हम and, dryness, no अगर हम बात करें देर आर हाई स्नो कैप्ड माउंटेन्स एंड अ कोल्ड फ्लैट ग्राउंड बिकॉज ऑफ द दस एंड बिकॉज ऑफ द नो प्लांट्स एंड ट्रीज ग्रो इन लद्दाख अगर हम बात करें लद्दाख की समतल कहेंगे एग्जैक्टली exactly, बहुत ही बढ़िया धन्यवाद ठीक देर आर हाई स्नो कैप्ड मतलब बर्फ से ढके हुए जो माउंटेन है वो वहां पर है पर्वत कोल्ड है फ्लैट है समतल है ठंडा है तो जो ग्राउंड है कोल्ड फ्लैट होने की वजह से क्या होगा ड्राइनेस है सूखापन है इसलिए कोई भी प्लांट्स और ट्रीज जो है वो आसानी से ग्रो नहीं होते बहुत ही सर्टेन कुछ चीजें हैं जो मिल पाती हैं ठीक इसके अलावा लद्दाख में जो लैंग्वेज है वहां की भोती लैंग्वेज कहते हैं उसको ठीक भाषा भोती, भोती में वेलकम को झूले झूले कहेंगे बिल्कुल पूछ सकता है आपको लग रहा होगा बचपन बचपने की सी बातें हैं बट ये पूछ सकता है एग्जाम में जो भी एनसीआरटी में है इंपॉर्टेंट है ठीक तो भोती भाषा में जो वहां की भाषा है झूले झूले का मतलब है वेलकम क्लियर हुई बात बिल्कुल जी धन्यवाद शुभांगी बिल्कुल आगे बढ़ेंगे यहां तक की बात हुई खत्म नेक्स्ट कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं अभी कहानी लद्दाख की ही, ही चल रही है इट वाज़ अ बिल्डिंग विथ टू फ्लोर्स अब वहां के हाउस यानी घर के बारे में बात हो रही है बिल्डिंग किसकी है दो फ्लोर वाली बिल्डिंग है ठीक है टू फ्लोर्स हैं अब उस टू फ्लोर्स में क्या है द हाउस वाज मेड ऑफ स्टोन्स एक तो पत्थर का इस्तेमाल किया गया घर को बनाने में दूसरा जो ये पत्थर है एक के ऊपर एक द अदर ठीक फिर इसके अलावा ऑन लेट्स बिल्कुल बहुत बढ़िया नेक्स्ट uh, है द वॉल्स वर कोटेड विद अ थिक लेयर ऑफ मड एंड लाइम जो चूना और uh, मिट्टी है या कीचड़ कह लीजिए आप कीचड़ कहना गलत होगा बट मिट्टी का जो वो एक पूरा पेस्ट तैयार किया जाता है मड है उसका इस्तेमाल और चूना का इस्तेमाल जो थिक लेयर है मतलब कोट करने के लिए कवर करने के लिए जिस तरीके से यहां पर आप देख रहे हैं किया जाता है किसका है ये मड और लाइम का चूना का इस्तेमाल है कवर करने के लिए कोट बनाने के लिए एक दीवार पर फिर है नेक्स्ट पॉइंट द हाउस लुक्ड लाइक अ शेड फ्रॉम इन साइड विद ऑफ हे स्टोर देयर जो घर है वो एक शेड एक छप्पर की तरह लग रहा था अंदर से ये कह सकते हैं बहुत सारा भूसा नहीं कहेंगे उसको कहेंगे एक तरीके से घास सूखी हुई जो चारा चारे के काम में आती है यानी खिलाने के काम आती है जो वहां पर एनिमल है पशु है उनके घर में कहा लद्दाख में ठीक तो दो स्टोरी हाउस है यानी डबल फ्लोर्स हैं दो फ्लोर्स हैं और उसमें से अगर हम बात करें तो स्टोन इस का इस्तेमाल हुआ है एक के ऊपर दूसरा स्टोन रख करके बनाया गया है मड एंड लाइम से कोट किया है ऐसा नहीं है कि आपने वो एशियन पेंट नहीं कराए कराएंगे जनरली जो बात होगी वो मड एंड लाइम की होगी वी टुक द वुडन स्टेप्स एंड रीच द फर्स्ट फ्लोर अब एक चीज हमें पता लगी जो सीढ़ियां हैं वो किसकी हैं वुडन की है क्योंकि सर्दी बहुत है तो वुडन फ्लोर जो है वो हेल्प करेगा फर्स्ट फ्लोर पर पहुंचने के लिए कि, किसका इस्तेमाल हुआ वुडन स्टेप्स का ठीक अब कुछ चीजों को यहां रिवाइज करेंगे ये घर आप देख सकते हैं एक पुराना सा घर है हालांकि बहुत टाइप के आजकल मिल जाएंगे बट हम एनसीआरटी को आधार बना रहे हैं यहां मड और लाइम का इसको और छोटा करते हैं मड एंड लाइम की कोटिंग है मर्ड एंड लाइम की कोटिंग है इस घर पे ठीक लद्दाख की बात हो रही है ये जो स्टोन है ये स्टोन्स हैं वन ओवर द अदर रखे गए हैं स्टोन्स का इस्तेमाल होगा और अगर हम बात करें तो क्या है अंदर जाकर के आपको बहुत सारा जो चारा है पशुओं का वो देखने को मिलेगा इसके अलावा अंदर से ये शेड की तरह लगता है एक छप्पर की तरह लगेगा आपको अंदर अगर आप जाते हैं तो और जो छत है उस पर क्या है कुछ बिल्कुल लकड़ी का फर्श एग्जैक्टली exactly. वुडन सीलिंग कहेंगे वुडन फ्लोर कह सकते हैं इसको और जो सीढ़ियां हैं जो स्टेप्स हैं वो भी लकड़ी के हैं क्योंकि सर्दी में ये चीज मदद करेगी और भी इसके बारे में कुछ चीजें हैं जैसे एनिमल्स को ये लोग कहां रखते हैं इस घर में और क्या एक पूरी कहानी रहती है उसको समझेंगे ये देखिए एक बार हाँ अगर हम बात करें ग्राउंड फ्लोर इज फॉर एनिमल्स एंड फॉर स्टोरिंग नेसेसरी थिंग्स जो ग्राउंड फ्लोर है दो फ्लोर की बात हो रही थी ना टू स्टोरी हाउस है तो ग्राउंड फ्लोर जो है नीचे का जो बिल्कुल ग्राउंड फ्लोर कहेंगे जिसको ठीक एनिमल्स के लिए यूज किया जाता है पशु जो है वो ग्राउंड फ्लोर पर रहेंगे ये कह सकते हैं और कुछ स्टोरेज के लिए जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो स्टोरेज के लिए ये इस्तेमाल करेंगे ग्राउंड फ्लोर का और पशुओं को रखने के लिए लेकिन लेकिन इसके साथ एक और चीज जुड़ी हुई है जब सर्दी बहुत ज्यादा हो जाएगी वेन इट्स टू कोल्ड पीपल ऑल्सो मूव डाउन स्टेयर पशुओं के साथ ही वो भी रहने आ जाते हैं जब सर्दी बहुत ज्यादा हो जाती है तो वो नीचे ग्राउंड फ्लोर पर आ जाएंगे फर्स्ट फ्लोर से ठीक क्यों ऐसा क्यों है क्योंकि ग्राउंड फ्लोर हैव नो विंडोज कोई विंडोज नहीं होती और ग्राउंड फ्लोर पर जो गर्मी है वो कंपेरेटिवली ज्यादा होगी वार्म रहेगा अगर हम बात करें फर्स्ट फ्लोर के मुकाबले द थिक ट्री ट्रंक्स आर यूज टू मेक रूफ स्ट्रॉन्ग अभी हम बात कर रहे थे कि जो रूफ्स हैं यानी जो छत है वो किससे बनी है ट्री ट्रंक से पेड़ की आपने देखा होगा घास फूस ऊपर लगी हुई थी उससे बनी हुई है तो ट्री ट्रंक्स जो हैं तने से कह सकते हैं रूफ्स को बनाया जाता है और बहुत बढ़िया स्वेपनल फिर है द थिक वॉल्स अ वुडन फ्लोर एंड अ वुडन सीलिंग प्रोटेक्ट्स द पीपल ऑफ लद्दाख फ्रॉम द कोल्ड अब यहां पर कुछ चीजें याद रखने वाली हैं वॉल्स कैसी हैं थिक हैं जिस पर लाइम और मड का इस्तेमाल करके पूरी कोटिंग की गई है दूसरा फ्लोर कैसा है वुडन फ्लोर है लकड़ी का फ्लोर है और वुडन सीलिंग है ठीक तो ये सारे मिल करके क्योंकि वुडन सीलिंग क्यों है क्योंकि ट्री ट्रंक का इस्तेमाल किया जा रहा है ऊपर छत के लिए ठीक तो गलती से भी हमें ये नहीं मानना कि भैया सीमेंट की छतें हैं ये नहीं मानेंगे हम ऑप्शन में आपको घुमा सकता है ठीक इन लद्दाख देयर आर नैरो रॉकी माउंटेन रोड एट मैनी प्लेसेस देयर आर नो रोड एट ऑल तो ऑब्वियसली जब पहाड़ों में है तो रॉकी बहुत ही उबड़ खाबड़ रास्ते हैं कुछ जगह पर रास्ते हैं भी नहीं ठीक तो ये बेसिकली एक छोटी सी बात हुई और अगर इसको रिवाइज करना चाहें शॉर्ट में तो हमने एक चीज देखी यहां पर कुछ कुछ लाइम एंड मर्ड से कवर्ड है स्टोन्स का इस्तेमाल हुआ है छत बनाने के लिए ट्री ट्रंक का इस्तेमाल किया गया है है ना और जो ग्राउंड फ्लोर है ये विंडो नहीं है तो इसको ये नहीं समझना कि ये गेट मान लो इनका विंडो जो है वो फर्स्ट फ्लोर पर होगी ग्राउंड फ्लोर पर देर आर नो विंडोज पशुओं को रखा जाता है एनिमल्स को और बहुत ज्यादा सर्दी होने पर जो लोग हैं घर के वो भी नीचे आ जाएंगे पशु यानी एनिमल्स के साथ और जो वहां पर कुछ हे भूसा वगैरह या घास वगैरह वगैरा जितनी भी स्टोरेज की चीजें हैं वो रखी हुई है उनके साथ ये लोग छतों का इस्तेमाल करते हैं कुछ चीजों को सुखाने के लिए उनके बारे में भी बात करेंगे ठीक आगे बढ़ते हैं यहां तक की बात हम क्लियर कर चुके हैं एक क्वेश्चन है अब आपके सामने थोड़ा सा सॉल्व करके दिखाइए इतनी कहानी से सॉल्व हो जाएगा ये आसानी से सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग द कैरेक्टर्सटिक्स ऑफ द हाउसेस ऑफ लेह एंड लद्दाख ठीक बहुत बढ़िया खुशबू यानी कि लद्दाख के घरों के बारे में आपको कुछ चीजें पहचाननी हैं फर्स्ट ऑप्शन है स्लेंटिंग वुडन रूफ्स मेड ऑफ द ट्री ट्रंक्स यानी कि स्लेंटिंग वुडन रूफ्स मेड ऑफ ट्री ट्रंक्स यानी कि स्लेंटिंग आप समझते हैं तिरछा कह सकते हैं वो जो पहाड़ आपने देखा होगा शायद मनाली वगैरह में ऐसे वाली जो होती है स्लेंटिंग ठीक सीधी नहीं है बेसिकली ऐसे तिरछी कह सकते हैं ग्राउंड फ्लोर विदाउट विंडो ग्राउंड फ्लोर पर कोई विंडो नहीं होगी थिक वॉल्स मेड ऑफ स्टोन मड एंड लाइम मोटी दीवारें हैं किसके लेप से बनी है मिट्टी और चूने के लेप से और फ्लोर्स क्या है वुडन है यानी लकड़ी का फर्श है तीन चीजें सही हैं इसमें चारों चीजें सही नहीं है ऑप्शन एक बार चूज कीजिए पहला दूसरा या तीसरा सही है दूसरा तीसरा या चौथा सही है एक बार चेक कीजिए एक बार आंसर को आप लोग बहुत बढ़िया बी आप लोग आंसर कर रहे हैं बहुत सही आर आई पी हिंदी ट्रांसलेशन बिल्कुल खदीजा जी ये बिल्कुल प्योर ट्रांसलेशन है उसको इग्नोर भी कर सकते हो बस समझने के लिए, लिए लिखा गया है अदरवाइज बहुत समय लगता है अगर एक एक वर्ड को ट्रांसलेट ढंग धं से बैठ करके किया जाए तो और मेरा काम समझाने का ज्यादा है आपसे आंसर क्या है बी सेकेंड थर्ड और फोर्थ क्यों अब यहां कंफ्यूजन हुई होगी कई लोगों को क्यों हुई होगी समझते हैं एक बार ग्राउंड फ्लोर विदाउट विंडो ये बात तो क्लियर है और इसलिए थोड़ा गर्म भी रहेगा और जब बहुत ज्यादा सर्दी होगी तो घर वाले भी आ जाएंगे नीचे पशुओं के साथ थिक वॉल्स मेड ऑफ स्टोन एंड मड ये भी बात हमने समझी है वुडन फ्लोर्स हैं ये भी बात हमने समझी है लेकिन स्लेंटिंग वुडन रूफ्स मेड ऑफ ट्री ट्रंक्स हमने बात की थी ट्री ट्रंक्स का इस्तेमाल किया जाता है छत को बनाने के लिए बट स्लेंटिंग होगी इसकी बात नहीं हुई ठीक तो ये फ्लैट है अपने आप में ये कह सकते हैं ये मनाली का एग्जाम्पल है अगर हम इसको लेकर के चलू तो हम इसको मनाली से जोड़ सकते हैं ठीक है बात तो ये एक बेसिक आंसर हुआ आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट पर कुछ और चीजें हैं अभी लद्दाख के बारे में अभी रास्तों के बारे में बात की घर के बारे में बात की है ना अब कुछ और चीजों के बारे में बात करेंगे अगर मैं बात करूं तो रेड चिली ऑरेंज पंपकिस एंड गोल्डन येलो कॉर्न्स आर फाउंड इन लद्दाख कुछ ही चीजें हैं सीमित चीजें हैं जो लद्दाख में मिलेंगी स्पेशली खाने के मामले में क्योंकि हमने समझा था जो टेम्परेचर है जो वहां की परिस्थिति है वो ऐसी नहीं है कि बहुत सारी चीजें ग्रो हो सके प्लांट्स वगैरह भी देखने को मिलेंगे नहीं आसानी से ठीक हाँ बिल्कुल 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 सही बात है मनोरमा जी जहां पर बारिश बहुत ज्यादा होगी स्लैंटिंग जहां पर बारिश होती रहेगी जैसे असम में भी ठीक कुछ लोगों का ब्लॉक होने का बहुत इच्छा है रेड चिली यानी कि लाल मिर्च कह सकते हैं ऑरेंज पंपकिंस वो ये लोग जो ये अंग्रेज हैं, सो कॉल्ड <laughs> उसका हेलोविन में इस्तेमाल करते हैं ये इसको ऑरेंज को इसमें शक्ल बना करके आपको याद होगा इसमें ऐसे शक्ल बना करके ठीक तो हेलोविन में इसको इस्तेमाल करते हैं याद रखेंगे कहा मिल पाएगा लद्दाख में मिल जाएगा गोल्डन येलो कॉन्स जो आपका मक्का है ठीक सुनहरी मक्का ये कह सकते हैं ठीक तो ये तीन चीजें हैं जिसके बारे में एनसीईआरटी में बात हुई है और आपको ये चीजें पता होनी चाहिए इसके अलावा कुछ और क्या है ड्यूरिंग समर सीजन वी ड्राई मेनी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ये लोग क्या करते हैं गर्मी में समर सीजन में दे ड्राई फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो फल हैं और वेजिटेबल्स हैं उनको ये सुखा लेते हैं और स्टोर कर लेते हैं विंटर्स के लिए विंटर्स के लिए यानी सर्दियों के लिए व्हेन वी डू नॉट गेट फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जब इनको फ्रूट्स और वेजिटेबल्स आसानी से क्या अवेलेबल ही नहीं है तो इसलिए लोग सर्दियों के लिए क्योंकि सर्दी क्या है भयंकर वाली है कोल्ड डेजर्ट है अपने आप में तो समर सीजन में ये लोग अपने छतों पर सुखा लेते हैं फ्रूट्स को वेजिटेबल्स को जो भी अवेलेबल होते हैं क्या क्या अवेलेबल है हमने समझा अभी रेड चिली है पंपकिन है कद्दू जिसको कहेंगे और फिर ये मक्का है ठीक तो ये एक बेसिकली ये चीजें हैं जिनका इस्तेमाल वहां पर किया जाता है ठीक आगे बढ़ेंगे हाँ बिल्कुल लद्दाख घूमिए आज तो आप लॉकडाउन में बैठे बैठे लद्दाख जाइए मनाली जाइए जहां मर्जी जाइए टेंट वेंट से घूम कर गया हो ऐसे फैंटेसी पूरी हो जाएगी मैं तो मतलब देख के मजा आ गया ये वाली पिक्चर जो थी वो टेंट वाली ठीक ड्राई फ्रूट्स का भी इस्तेमाल एग्जेक्टली exactly. अगर हम बात करें तो कल हम बात कर रहे थे एनेमिया के बारे में और जो खून की कमी से होगा आयरन की कमी से होगा एक्जेक्टली exactly, अगर मैं बात करूं तो जो एनेमिक बच्चा होगा जिसमें आयरन की कमी है अब ये बच्चों को रिपोर्ट दिखाई गई है ये अपने आप में बहुत अच्छा टीचिंग लर्निंग ले, मटेरियल हो सकता है जिसका मैं भी इस्तेमाल करती हूं आपके साथ कि पिक्चर्स दिखाएं आप रिसोर्सेज दिखाएं रियलिया जिसको हम कह देते हैं क्लासरूम में तो आप क्या कर सकते हैं क्लिनिकल रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं बच्चों बच्चों को इसके बारे में जानकारी देने के लिए जैसे कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम की क्या है एक रिपोर्ट है बच्चे का नाम है आरती एज है ट्वेल्व सेक्स है फीमेल और पहचान डायग्नोसिस किस बात की हुई है पहचान किस बात की हुई है क्या एक परेशानी निकली है एनीमिया है बच्चे को ठीक क्यों है एनीमिया अब ये आपको पता लगाना है कि ये कब होगा जब एच जो है 12 से 16 होना चाहिए एक नॉर्मल इंसान का 12 टू 16 होना चाहिए ठीक है और 12 टू सिक्सटीन में इस बच्चे का जो है वो है एट इस बच्चे का है टेन यानी कि आरती है और ये भी आरती ही है दोनों आरती ही है शायद तो इस केस में जो बच्चा है वो एनेमिक है मतलब अगर आप उनको कह सकते हैं हेल्थ की एडवाइस भी दे सकते हैं भाई 12 तक अगर रहेगा 12 टू सिक्सटीन के बीच में एक हेल्दी ह्यूमन बींग का जो हिमोग्लोबिन रहेगा तो वो सही है लेकिन अगर ट्वेल्थ से नीचे जाओगे तो एनेमिक रेंज में जाते रहोगे और ये किससे बढ़ेगा आयरन कल हमने समझा था ये जैगरी गुड़ की बात की थी हमने हमने आ, उसकी आ, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स की बात की थी हमने आंवला की बात की थी तो ये बेसिक बेसिक चीजें हैं जो आपको साथ में जोड़ करके याद रखनी है तो एक और चीज आपको यहां पर सीखने को मिली है सिर्फ ये नहीं कि आप रिपोर्ट दिखाओगे अब पैडोलॉजी का खेल यही है ये कि आपको समझना पड़ेगा चीजों को और कुछ नहीं है ईवीएस की पैडोलॉजी में या किसी में भी बेसिकली अब आपको ये पता होना चाहिए कि आपको चार ऑप्शन दे देगा आपको ये टॉपिक पढ़ाना है तो आप क्या करेंगे अरे आप रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर सकते हैं आप रिपोर्ट्स का या जो रियल हैंड आउट्स हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे ट्रेन के बारे में जर्नी में वहां बच्चों को बताया गया है कि ट्रेन टिकट में क्या क्या डिटेल्स होती है आप क्या कर रहे हैं एनवायरमेंट स्टडीज में एनवायरमेंटल स्टडीज जो पर्यावरण अध्ययन कह रहे हैं हम इसको कुछ नहीं है जो बच्चे की सराउंडिंग्स हैं आप उससे अवगत करा रहे हैं बच्चे को ठीक है तो ये बेसिक चीजें हैं जो आपको पेडागोजिकल क्वेश्चन को डील करने में भी मदद करेंगी ये एक छोटी सी चीज थी जो उस दिन रह गई थी कि इन आइटम्स को अगर आपको प्रिजर्व करना है ये है फूड आइटम्स और ये है अब आपको इनका सही मिलान करना था फटाफट से बताओ कैसे होगा इनका सही मिलान मिल्क जो है ये बहुत ही ज्यादा अवगत है हम इस चीज से बॉईल कर लेंगे मिल्क को यानी कि उबाल करके रख लेंगे तो ज्यादा चल जाएगा थोड़ा सा कंपैरेटिवली कुक्ड राइस को अगर रेफ्रिजरेटर में रखा जाए तो ड्रम्स किल करने में या इसको ज्यादा देर तक जिंदा रखने में जिंदा नहीं कहेंगे बट फ्रेश रखने में मदद मिलती है लेकिन यहां पर रेफ्रिजरेटर का कोई ऑप्शन नहीं है तो क्या कर सकते हैं आप पुट इट इन अ बोल एंड कीप द बोल इन अ कंटेनर विद सम वाटर उससे क्या होगा थोड़ा जो टेम्परेचर है वो डाउन आ जाएगा ठंडे पानी में रख रहे हो ना आप और फिर है इसके बाद ग्रीन कोरिएंडर यानी धनिया आप जानते हैं वो हरा धनिया कह सकते हैं उसको तो इसको आप कीप इट इन अ ड्राई ओपन प्लेस और सॉरी एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड ठीक ग्रीन कोरिएंडर को आप रैप इन अ डैम्प क्लोथ एक भीगे हुए कपड़े में आप रख सकते हैं और अनियन और गार्लिक को आप जो लहसुन और प्याज है उसको आप ओपन ड्राई प्लेस में ही रखते हैं ये सभी इन बातों से अवगत हैं, बस थोड़ा सा आ, याद करने की जरूरत है उस दिन मेरा दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा था तो मैंने उसको छोड़ दिया था ठीक हुई बात हाँ सही है क्लियर हुई बात चलिए फिर यहां तक की कहानी खत्म हुई और हिंदी में क्या यार मतलब आप दूध को मिल्क तो सभी को पता है ऐसा तो नहीं हो सकता आप लोग यूट्यूब पर हो और आपको ये ना पता हो कि दूध को मिल्क कहते हैं है? तो ये तो छोटी सी बात हुई क्लियर हुई बात आगे बढ़ेंगे ये ध्यान रखेंगे आप पूछा हुआ है किसी एक सेशन में मतलब किसी एक, एक एग्जाम किसी एक ईयर में सी के ठीक एवरी ड्रॉप काउंट अब पानी की कहानी चल रही है अब देख रहे हैं आप हर एक चैप्टर बच्चों को सेंसिटाइज कराने के लिए है उनको कुछ डेटा देने के लिए है उनको कुछ संवेदना आने के लिए है उनके अंदर अगर हम बात करें दिस चैप्टर टॉक्स अबाउट अ प्लेस नेम्ड घाडी सर इस पर भी क्वेश्चन आया हुआ है घाडी सर एक जगह है और सर का मतलब या सार का मतलब होता है लेक यानी कि एक लेक को क्या कहेंगे एक बार लिखो भाई आजकल दिमाग थोड़ा सा मेरा हैंग करता है तो वो थोड़ी मदद चाहिए होगी और फिर फ्लो में कन्वर्ट करने में दिक्कत हो जाती है देयर वॉज द स्कूल ऑन द घाट अब घाट जो है ये घाट आप जानते हैं पानी के है किनारे वहां क्या होगा स्कूल था एक ठीक बात चल रही राजस्थान की स्टोरी कहां की है ये जैसलमेर की है और जो ये जैसलमेर है बहुत ही कम पानी वहां पर मिलता है झील कहेंगे एग्जैक्टली exactly, बहुत बड़े तालाब और झील होते हैं ना हाँ तो पॉइंट हुआ तालाब और ये हुई झील ठीक लेक क्लियर हुई बात तो दिस दिस चैप्टर टॉक्स अबाउट अ प्लेस नेम्ड घाटी सर एक जगह है सर का मतलब है लेक यानी कि झील और एक घाट के किनारे एक स्कूल था जैसलमेर में और जैसलमेर राजस्थान में है और वहां पर बहुत ही कम बारिश होती है साल में एक बार और कई बार एक बार भी नहीं ठीक बहुत बढ़िया नहीं तालाब नहीं होगा तालाब पॉन्ड को कहेंगे आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर धन्यवाद आप सभी का देर वर नाइन लेक्स एंड दे कैन बी फिल्ड विद अ सिंगल लेक भाई अब बात जो है वो असली है ये रखने वाली जो घाडीसर की बात हो रही है यानी जैसलमेर की बात हो रही है यहां पर क्या थी कुछ नाइन लेक्स थी नौ झीलें थी और ये ऐसे कनेक्टेड थी इस तरीके से इनको बनाया गया था कि एक सिंगल लेक से यानी मान लो एक झील में अगर आप पानी भरेगा या एक झील में पानी भरेगा तो वो एक झील से हो करके नौ की नौ जो टोटल झील हैं वो झीलें भर जाएंगी तो इस तरीके से इसका जो मैन्युफैक्चरिंग तो नहीं कहेंगे इसको कुछ और कहेंगे जो बनाया गया आर्किटेक्चर है एक तरीके से वो इस तरीके का था ये आप देख पा रहे हैं पिक्चर है तो सारी झील भर, भरेंगी अगर एक झील पर पानी पहुंचता है तो ठीक कहा की बात हो रही है जैसलमेर की आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट पर नेक्स्ट पॉइंट क्या है देख लेते हैं सर का मतलब है यहां पर हमने अभी समझा था सर का मतलब है लेक यानी झील तो ये सर या सार जो भी है हिंदी में इसको ध्यान रखेंगे हम घाटी सर में आ, सर का मतलब झील है एक छोटा सा पॉइंट है एट सम प्लेसेस पीपल सेलिब्रेटेड वेन अवर लेक्स गेट फिल्ड अप विद वॉटर यानी कि कुछ जगह पर हम पानी की पूजा करते हैं और पानी अपने आप में है भी इसी तरीके की चीज कि हम इसको वर्शिप करें क्यों क्योंकि इसके बिना लाइफ नहीं है ठीक तो कुछ जगह पर लोग वर्शिप करते हैं या सेलिब्रेट करते हैं उत्सव मनाते हैं जो अब वहां की जो लेक्स हैं यानी कि जो वहां की झीलें हैं वो पानी से भर जाती हैं जैसे कि जो उत्तराखंड है वहां पर न्यू ब्राइड जो नई क्या कहेंगे मतलब पता नहीं हिंदी में क्या है कहेंगे दुल्हन आई थिंक उर्दू का वर्ड होगा ठीक तो न्यू ब्राइड जो है वो क्या जाएगी गोस टू बो टू द स्प्रिंग और द पॉंड तो न्यू ब्राइड नई शादी हुई है भाई किसी की और वो कहां पर जाएंगी बो करने जाएंगी आ, एक तरीके से या तो झरने के पास या फिर तालाब के पास ये आप देख सकते हैं यहां पर एक पिक्चर छोटी सी लगी हुई है के बाद साइंस मैं नहीं करवाऊंगी साइंस मेरा सब्जेक्ट बिल्कुल भी नहीं है ठीक आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट पर अब रीजंस क्या हैं कि आज के टाइम पर हम पानी को खोते जा रहे हैं या तो जो कुएं हैं जो वेल well हैं वो पुराने क्या होते जा रहे हैं आ, सूखते जा रहे हैं ठीक तो रीजंस व्हाई वेल्स हैव ड्राइड अप क्यों सूख गए हैं वाटर इज बीइंग बींग अप फ्रॉम अंडर द ग्राउंड विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर्स भाई वन ऑफ द रीजन क्या हुआ एक रीजन अब ये रीजन आप याद कीजिएगा मत कीजिएगा बट समझते जाइएगा उससे होगा क्या आ, होगा ये कि ये क्वेश्चन पूछा हुआ है एक तो और दूसरा ये बहुत ही बेसिक सी चीजें हैं कि पानी की कमी या जो कुएं हैं वो क्यों सूखते जा रहे हैं तो इसका एक रीजन ये है कि हम ग्राउंड वाटर को कम करते जा रहे हैं बर्बाद करते जा रहे हैं कैसे इलेक्ट्रिक मोटर्स का समर सेविल्स का इसका उसका इस्तेमाल करके लोग पानी ग्राउंड वाटर को यूज करते हैं और यूज ही नहीं मिस करते हैं गाड़ी धोएंगे दो घंटे तक खड़ी करके गली में क्या होगा उससे पानी वेस्ट होगा ठीक तो पानी हम वेस्ट कर रहे हैं और कई जगह ऐसी हैं जहां पानी है भी नहीं तो उनको पता है असली वैल्यू तो हम वहां भी वेस्टेज करते हैं जहां करनी नहीं चाहिए जो कम इतने में काम चल सकता है तो हम इतना यूज करेंगे क्योंकि हमें फर्क नहीं पड़ता आगे मिले ना मिले किसी को ठीक तो ये क्या है इलेक्ट्रिक मोटर्स जो है वो ग्राउंड वाटर को खत्म कर रहे हैं कहीं ना कहीं तो जब ग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो नीचे जाएगा तो जो वेल्स हैं वो अपने आप ही सूखना शुरू हो जाएंगे जो कुएं हैं आगे बढ़ेंगे दूसरा रीजन क्या है द लेक्स इन विच रेन वाटर यूज टू कलेक्ट आर नो लॉन्गर देयर पहले क्या होता था लेक्स का ज्यादा इस्तेमाल था आप उदयपुर जाते हैं या कहीं भी जाते हैं बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहां पर झीलें जो हैं वो मिल जाएंगी आपको तो रेन वाटर को स्टोर करने के लिए बारिश के पानी को स्टोर करने के लिए लेक्स का इस्तेमाल होता था बहुत सारी लेक्स अब सूख चुकी हैं या है ही नहीं उनकी कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है दुल्हन ही कहते हैं बहुत बढ़िया है शिमपल जी तो लेक्स कम होती जा रही हैं तो रेन वाटर स्टोर नहीं हो पाता फिर और एक और रीजन क्या है द सॉइल अराउंड ट्रीज एंड पार्क इज नाउ कवर्ड विद सीमेंट जो ट्रीज हैं या पार्क्स हैं जो पार्क जिनमें हम घूमने चले जाते थे कोरोना से पहले तो वहां पर क्या है सीमेंट से ढक दिया गया है जो वहां की एक सॉइल है उसको कैसे अब जब सीमेंट से ढक गया पेड़ के चारों ओर का जो स्पेस है तो क्या होगा पानी तो जाएगा नहीं ग्राउंड वाटर तो अंदर जाएगा नहीं जमीन में और जब जमीन में नहीं जाएगा पानी तो कहां से मतलब ग्राउंड वाटर का ऑब्वियस लेवल डाउन जाएगा लेवल डाउन जाएगा तो ऑब्वियस है कि जो पानी की कमी है या सूखना है वेल्स का वो ऑब्वियस है ठीक तो ये भी एक बात हुई क्लियर हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बात है शेखावत जी अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां आ जाएगा तो ये आपने तीन पॉइंट समझे अब इसके अलावा आपको एग्जाम में पूछा हुआ है कि ये तीन पॉइंट के अलावा कुछ और दे देगा दे और कुछ और दे देगा दे वो क्या होगा कुछ एक पॉइंट गलत होगा और आपको अगर ये सारे पॉइंट नहीं पता तो आप गड़बड़ करेंगे ठीक रीजन हमने समझे एक तो इलेक्ट्रिक पंप्स का इस्तेमाल करके पानी को ज्यादा यूज किया जाता है इसकी वजह से कुएं सूख रहे हैं रेन वाटर को हम क्या करते हैं बर्बाद कर रहे हैं एक तरीके से लेक्स की कमी है झीलों की फिर क्या है पार्क्स और जो आपकी आ, ट्रीज हैं पेड़ और पार्क्स के आसपास क्या है जो सॉइल है उसको सीमेंट से कवर कर दिया जाता है जिसके कारण पानी नीचे नहीं जा पाता ग्राउंड वाटर नहीं पहुंच पाएगा जमीन में एक और छोटी सी चीज है जिस पर क्वेश्चन पहले भी बना हुआ है और जिसको हम समझेंगे ठीक नाइनटीन एटी सिक्स की बात है उन्नीस सौ छियासी की देयर वॉज नो रेन इन जोधपुर जोधपुर में रेन आ, बेसिकली राजस्थान में बारिश की समस्या रहती है जोधपुर में रेन नहीं थी और वहां के आसपास के एरिया में भी नहीं थी लोग भूल गए थे एक पुरानी चीज को जिसको हम स्टेप वेल या बाउली कहते हैं ठीक अब ये जो बाउली है शायद दिल्ली में भी है एक बड़ी फेमस उग्रसेन की बाउली आप लोग गए होंगे शायद कनॉट प्लेस के आसपास ही है, है ना तो हॉन्टेड प्लेस भी कहते हैं ऐसे कई लोग ठीक दे क्लीन द स्टेप वेल एंड मोर देन टू हंड्रेड ट्रक्स अब उन्होंने स्टेप वेल को इस बाउली को क्या किया क्लीन किया और 200 ट्रक्स जो कूड़ा था कचरा था इतना उसमें भरा हुआ था दो, दो सौ ट्रक के बराबर ठीक ये डेटा है जो आपके दिमाग में रहना चाहिए पीपल ऑफ द एरिया कलेक्टेड मनी वहां के जो जोधपुर के आसपास के एरिया के लोग थे उन्होंने पैसे को कलेक्ट किया और द थर्स्टी टाउन गॉट वाटर फ्रॉम द स्टेप वेल जो ये क्या सीढ़ी नुमा कुआ कह सकते हैं इसको हिंदी में बाउली कह सकते हैं बावड़ी कह सकते हैं वॉट एवर इट इज बात यह है कि आपको पता होना चाहिए स्टेप वेल याद रखना है ठीक इसके अलावा कुछ साल बाद लोग फिर से भूल गए इसके बारे में क्योंकि पानी मिल गया और वो फिर से पुरानी जो एक बाउली अपने आप में पानी को स्टोर करने का एक तरीका था उसको फिर से भूल गए ठीक तो ये एक बात हुई और ये बाउली अगर आपकी देखने की इच्छा है तो ये है स्टेप वेल कह सकते हैं इसको ये सीढ़ियां हैं नीचे जाएंगे पानी भरने और आजकल तो मिलता नहीं है सूखी गई है उग्रसेन की बाउली भी सूखी हुई है ठीक तो ये एक बात है बिल्कुल हाँ बहुत बढ़िया आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट पर अब बात हो रही है यहां पर अलब्रूनी की अब अलब्रूनी एक इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं, क्योंकि एग्जाम में भी आ सकते हैं और आपको पता भी होना चाहिए ठीक है बहुत बढ़िया पालकी शर्मा या जो भी नाम था आपका थ्रू द आईज ऑफ अलब्रूनी अल्ब्रूनी की बात हो रही है ये एक उनकी स्टैंप लगी हुई है उन्होंने कुछ लिखा इंडिया के बारे में वो आए कहां से थे उज़बेकिस्तान से आए थे वो जहां से आए थे अल्ब्रूनी एक ट्रेवलर थे बेसिकली जहां से वो आए उनको उसको आज उज्बेकिस्तान उस के नाम से हम जानते हैं और उन्होंने कुछ डिटेल्स नोट की इंडिया में जो चीजें उनकी कंट्री से अलग थी यहां उसके बारे में ठीक अब स्पेशली उन्होंने किस चीज पर फोकस किया यहां का जो आर्किटेक्चर है यहां जो चीजों को बनाने का तरीका है वो बड़ा डिफरेंट है यानी कि इंडिया के लोग बहुत ही स्किल्ड हैं पॉन्ड्स को तालाब को बनाने में इसके अलावा जो चबूतरा बना बनता है यहां पर बेसिकली यहाँ का जो आर्किटेक्चर है कुछ चीजों में वो बहुत ही अमेजिंग है ऐसा उन्होंने कहा चबूतरा जो बनाते हैं रेज्ड प्लेटफॉर्म्स लेक के अराउंड यानी झील के अराउंड और बिटवीन दीज़ दीज़ आर रोज़ ऑफ़ लॉन्ग बहुत सारे स्टेयर हैं है वहां पर अप डाउन जाने के लिए और uh, मतलब बेसिकली इन्होंने बात की कि, कि कैसे आर्किटेक्चर जो है वो डिफरेंट है अगर आप लेक के आसपास जा रहे हैं जाने का रास्ता अलग है ऊपर आने का अलग है तो आर्किटेक्चर बड़ा अमेजिंग है इंडिया का ये उन्होंने कहा क्लियर हुई बात बहुत बढ़िया नीलम वर्मा जी समझ गई मैं आपकी बात तो ये अलब्रूनी की बात हुई अब आपके सामने एक क्वेश्चन जो अलब्रूनी से आया हुआ है अगर हम बात करें तो अल्ब्रूनी केम फ्रॉम अ कंट्री नाउ कॉल्ड अल्ब्रूनी जिस जगह से आए उसको आज हम किस नाम से जानते हैं अफगानिस्तान बांग्लादेश उज्बेकिस्तान या ओमान आंसर कीजिए फटाफट से मैथ्स पैटावॉजी कर देंगे जल्दी विलेज स्टार जी स्टार्ट कर देंगे इतने आप लाइक शेयर करिए ऐसे मैं कोशिश करती हूँ जल्दी ही लाने की आंसर कीजिए उज्बेकिस्तान कहेंगे एग्जैक्टली exactly. अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना होता क्या है कि बहुत सिंपल सी डिटेल्स हैं बट हम हो जाते हैं कंफ्यूज या तो आपने बहुत ज्यादा पढ़ लिया हो जैसे मेरे दिमाग में बहुत ही ज्यादा डेटा होता है इस चक्कर में अगर सही समय पे उसको रिवाइज नहीं किया जाए तो वो mix up हो जाएगा ऑब्वियस है ठीक तो या तो आपने दुनिया से ज्यादा पढ़ लिया हो मतलब बहुत ज्यादा डेटा हो आपके पास या फिर थोड़ी सी अवेयरनेस जो है वो इधर उधर डिस्टॉर्टेड हो अटेंशन मतलब आप मे बी इन स्ट्रेस तो अफगानिस्तान आप लगा करके आ सकते हैं पेपर में ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करेंगे यही चीजें हैं जो क्वेश्चन से क्लियर होती हैं इसीलिए हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं कि कई बार हमें लगता है हमें पता है हमने अलबरूनी के बारे में बात की है उजबेकिस्तान से आए बट कई लोगों ने अभी भी आंसर अफगानिस्तान दिया क्यों दिया क्योंकि अफगानिस्तान उजबेकिस्तान ये फॉल्स मेमोरी बन जाती है कुछ चीजों को लेकर के तो ये एक बेसिक सी बात है ना जैसे प्याजे ब्रूनर को मिक्स कर देते होंगे कई लोग ठीक मेरा भी नाम लो नाम तो निकल गया आपका बस यही पढ़ पाई मैं रुकैया बहुत बढ़िया तो ये एक बेसिक बात हुई अच्छा कल एक क्वेश्चन था जिसके बारे में हम एलम के बारे में बात कर रहे थे फिटकरी के बारे में और इसका हमने सिंपल डिस्कशन किया था कि जो फिटकरी है वो जमा देगी एक तरीके से इम्प्योरिटीज बैठ जाएंगी तो इसका जो आंसर था वो था सेडिमेंट लाइट सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज जो इम्प्योरिटीज होती है उनको ये नीचे की तरफ लेकर के आ जाती है जर्म्स को किल करने का काम इसका नहीं है तो ऑप्शन ए जो है वो ज्यादा बेहतर हुआ यहाँ पर या सही हुआ इसको करेक्ट कर लेना ये मैंने बाई चांस को लगा दिया था ध्यान से नहीं ध्यान दिया अवेयरनेस नहीं गई तो आप आपकी गलती ना करें हालांकि मैं उसको अपडेट कर चुकी हूं कॉमेंट सेक्शन में तो कॉमेंट जरूर देख लिया करें ये हुई यहाँ की कहानी और होपफुली आपको जो सेशन है वो पसंद आया होगा और अगर पसंद आया हो तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जो चाहें कर सकते हैं सब फ्री है ठीक तो स्टार्ट करेंगे मतलब स्टार्ट क्या करेंगे खत्म करेंगे ठीक है तो आप लोगों के कमेंट्स देख करके मजा आता है मैं बहुत सारे कमेंट्स पढ़ने की कोशिश करती हूँ और हम लोग ने अच्छा कर रहे हैं हम लोग है ना बहुत बढ़िया 2600 लोग देख रहे हैं सॉरी बत्तीस सौ लोग देख रहे हैं और 2600 लोगों ने लाइक किया है डेटा जो है मतलब नंबर सामने शो होंगे तो क्या होगा आप सब कर दिया अरे बहुत बढ़िया आप तो गज़ब हैं थैंक यू मैम बहुत बढ़िया पायल और बताइए कोई समस्या हो तो हाँ योर स्माइल इज इस सो क्यूट धन्यवाद प्रियंका जी गुड नाइट सनी तवर आई एम योर स्टूडेंट अरे धन्यवाद अब भय और बताइए वी ऑल आर लर्नर्स बाय द वे चलिए फिर बहुत बढ़िया सेफ रहिए घर पर और निकल जाएगा जब इतना टाइम निकला है तो और भी निकल जाएगा है ना घटसी सर नाम है घटसी सर मान लेंगे चलो वो बेसिकली इतना तो ऐसा तो पेपर में ये नहीं पूछा घाटी सार है कि घटसी सर है तो वो इंग्लिश में शायद वैसे ही लिखा होगा उसमें है ना कुछ चीजें इंग्लिश ट्रांसलेशन में डिस्टॉर्ट हो जाती हैं अगर हिंदी की होती हैं तो और इंग्लिश की होती हैं तो हिंदी में ट्रांस डिस्टॉर्ट हो जाती हैं योर वॉइस इज़ टू गुड अजी धन्यवाद तारीफ के लिए शुक्रिया और बताइए सिमरन जी थैंक्स धन्यवाद दीपक और बताइए मेरा नाम भी लीजिए नाम ले लिया पूजा और कोई समस्या वंस यू शेयर कम्प्लीट पी डी एफ ऑफ ई वी एस प्लीज़ प्रोवाइड दैट लिंक अगेन मैंने ये टेलीग्राम में किया हुआ है अगर आप ऊपर स्क्रॉल करके जाओगे तो मिल जाएगा बाकी फिर भी एल ट्राए कि मैं दोबारा से शेयर कर दूँ और ये अपडेटेड तो मैं शेयर कर ही रही हूँ डेली तो इसको देखो थोड़ा और ठीक रहेगा धन्यवाद नेहा चलिए कल मिलते हैं टेक केयर दो सेशन स्टार्ट कर दीजिए अभी एक ही रखते हैं यार और ध्यान रखिए अपना करेंगे